एवरीवन, मेरा नाम है कृति एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 40 क्वेश्चंस की, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं यूजीसी नेट के एक एग्जामिनेशन के लिए पेपर वन। और ये प्रीवियस सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन रखनी है। ये 40 क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें रिसर्च से रिलेटेड चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये जून 2015 में यूजीसी नेट के एक पेपर में पूछा गया था। ये चार स्टेटमेंट्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिसर्च से ही रिलेटेड हैं और करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग को कौन से स्टेटमेंट्स इसमें बेस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए। इसका आंसर 1, 3 और 6 है, आंसर डी। तो रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस को, रिसर्च इज अ सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेसेस, और लास्ट स्टेटमेंट रिसर्च इज अ क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म, करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स, टोटल एक्सपेंडिचर, ड्यूरेशन। इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्च पेपर, बेसिकली रिसर्च पेपर पे चार स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है सी, कंटेन्स पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च। एक तो ओरिजिनल रिसर्च होती है उसमें, और इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इसका आंसर है डी, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन, कौन कंडक्ट कर सकता है। तो इसका आंसर है हु पोजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, किस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज बेसिस, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। तो यहाँ पे आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी है, आपको बताना है कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया जाएगा। तो इसका आंसर है केस स्टडी मेथड, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक केस के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट्स ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, कौन सा रिसर्च मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। इसका आंसर है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू ट्रेस एन इफेक्ट, इफेक्ट किस में ट्रेस किया जाता है। तो इसका आंसर है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाइड एज। तो इसका आंसर है इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम। नेक्स्ट पूछा गया है कंक्लूजन और फाइंडिंग्स रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू अदर ऑफ विच टाइप ऑफ सिचुएशंस। इसका आंसर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो इसका आंसर है कंटेंट एनालिसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में देखना है, तो इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका आंसर है एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमिलोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। सो इसका आंसर है एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, तो इसका आंसर है एक्शन रिसर्च। फिर है पैराडाइम ऑफ रिसर्च विच फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ऑफ द रिसर्चर प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट विच सिक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो, तो यहाँ पे एक सिक्वेंस दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा सिक्वेंस सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होती है, फिर हाइपोथेसिस बनता है, फिर डेवलपमेंट होता है रिसर्च डिजाइन का, फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर डेटा एनालाइज किया जाता है,
और लास्ट में फॉर्मुलेट होते हैं जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ रिसर्च स्टेप इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड। तो इसका आंसर है परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, फिर हाइपोथेसाइजिंग, deducing the consequences of the suggested solution and testing the hypothesis in action. Next question पूछा गया है कि first step क्या होता है research का, तो हमेशा याद रखिए first step finding a problem होता है, आप पहले problem find करेंगे, obviously उसी के बाद आप उसका answer ढूंढ पाएंगे. Next question है, when a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable method is? So इसका answer है stratified sampling. फिर है, विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी। एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी में कौन से बेस्ट साइक्लिक नेचर बताया जा रहा है, तो इसका आंसर है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है, तो वर्किंग हाइपोथेसिस एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है फॉर फर्दर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें इसमें से, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी, साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे कौन सा बेस्ड नहीं होता है, तो वो है कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, तो इसका आंसर है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फिर है, रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया, व्हाट टूल शुड ही प्रिफर फॉर द स्टडी, इसका आंसर है रेटिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन, इसका आंसर है अ रिसर्च डिसर्टेशन, तो सेम होता है फॉर्मेट थीसिस राइटिंग का और रिसर्च डिसर्टेशन का। 30th है, अ थीसिस स्टेटमेंट इज एन असर्शन। नेक्स्ट, इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन, इसका आंसर है द टेक्स्ट इटसेल्फ। 32, अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व, क्या क्या होना चाहिए गुड थीसिस राइटिंग में, तो इसमें भी आप इसके स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल, तो हमेशा याद रखिए इम्पैक्ट फैक्टर से क्वालिटी पता चलती है हमें रिसर्च जर्नल की। 34th, The problem of research ethics is concerned with which aspect of research activities? इसका आंसर है evidence-based research reporting. Next, कौन सा, which of the following is susceptible to the issue of research ethics? So इसका आंसर है reporting of research findings. Next question है, the issue of research ethics may be considered pertinent at which stage of research? कहाँ पे सबसे important हो जाता है? तो वो है एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर, गाइडलाइंस किसकी नहीं दी होती है एथिकल नॉर्म्स में, तो वो है थीसिस फॉर्मेट। नेक्स्ट है, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, तो इसका आंसर है 2, 3 and 5, सो डिमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परजूइंग रिसर्च, इसका आंसर है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। तो ये थे 40 questions रिसर्च एप्टीट्यूड के, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं पेपर 1 के यूजीसी नेट के। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और बाकी सब्जेक्ट्स के भी बनाऊं और बाकी एग्जाम्स के लिए भी मॉक टेस्ट लेके आऊं और प्रीवियस ईयर questions डिस्कस करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दैट मोटिवेट्स मी टू मेक बेटर वीडियोज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।